गैंगस्टर और गैंगवार का नाम आते ही लोगों के दिलों में दहशत का माहौल बन जाता है। आज हम बात करते हैं ऐसे ही कुख्यात गैंगस्टर संपत नेहरा की कि कैसे एक गोल्ड मेडलिस्ट गैंगस्टर बना, देखिए इस खास रिपोर्ट में। स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने एथलीट को बनाया गैंगस्टर। पेशीपराय गैंगस्टर संपत ने बताई गैंगस्टर बनने की असली वजह। संपत पर हत्या, फिरौती, लूट सहित दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज। मुंबई में सलमान खान को मारने का प्लान बना चुका था संपत नेहरा। संपत के गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट से कुख्यात गैंगस्टर बनने की पूरी कहानी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स करके पता ही नहीं। जी हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट गैंगस्टर संपत नेहरा एक ऐसा नाम जो आज पंजाब हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टरों में गिना जाता है। संपत नेहरा पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है और आज पेशी के लिए मोहाली कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान जब संपत नेहरा से उसके गैंगस्टर बनने की वजह पूछी गई तो बिना किसी लाग लपेट के उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स को अपने गैंगस्टर बनने की वजह बता दिया। आप एक स्पोर्ट्समैन है, सुनने नहीं आ रहा है, उसकी चलते आप गैंगस्टर बन गए, क्यों बने हैं हमें? स्टूडेंट पॉलिटिक्स करके। सुना आपने, संपत नेहरा सीधे सीधे छात्र राजनीति को अपने गैंगस्टर बनने की वजह बता रहा है। आज पुलिस गिरफ्त में संपत नेहरा को वो हर गुनाह याद आ रहा होगा जो उसने किया होगा। आज उसे वो दिन भी याद आ रहे होंगे जब वो एक खिलाड़ी हुआ करता था और वो भी नेशनल लेवल का गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट। साल 2014 में रांची में हुए नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में संपत नेहरा ने गोल्ड मेडल जीता था। संपत के पिता चंडीगढ़ पुलिस से रिटायर्ड ASI हैं। जानकारी के मुताबिक संपत नेहरा पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन अब संपत चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, यूपी व राजस्थान सहित कई राज्यों की पुलिस की वांटेड लिस्ट में शामिल है। गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट, फिर छात्र नेता और अब कुख्यात गैंगस्टर संपत नेहरा अपराध के दलदल में ऐसा फंसा कि फिर बाहर नहीं निकल पाया। संपत नेहरा के खिलाफ सबसे पहला आपराधिक मुकदमा पटियाला में दर्ज हुआ और इसके बाद संपत अपराध की दुनिया का कुख्यात नाम बनकर उभरा। पटियाला जेल में संपत की मुलाकात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से हुई और उसके बाद जेल से बाहर आने पर एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया। लेकिन गैंगस्टर संपत सुर्खियों में तब आया जब उसने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की हत्या की साजिश रची। अपनी इस साजिश के तहत संपत ने सलमान के घर की रेकी भी कर ली थी, लेकिन गनीमत रही कि हरियाणा पुलिस की STF ने उसे समय रहते हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। संपत नेहरा को मंगलवार को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। 2017 की एक हत्या के मामले में संपत को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान पंजाब केसरी ने संपत नेहरा से बात करने की कोशिश की तो संपत नेहरा पहली बार कैमरे पर कुछ बोला। क्या कुछ कहा उसने, आप भी जानिए। मैं तो स्पोर्ट्समैन था जी। आप एक स्पोर्ट्समैन है, सुनने नहीं आ रहा है, उसके चलते आप गैंगस्टर बन गए, क्यों बने हैं? स्टूडेंट पॉलिटिक्स करके। तो क्यों, यानी क्या रीजन, क्या रहा डिसीजन सर? स्टूडेंट पॉलिटिक्स से पता ही नहीं लगे। ग्राउंड में घंटों पसीना बहाने वाला एथलीट गोल्ड मेडलिस्ट संपत नेहरा आज सलाखों के पीछे है और उस पर दर्जनों मामले दर्ज हैं। आखिर कैसे गोल्ड मेडलिस्ट संपत नेहरा इस जुर्म की दलदल में शामिल हुआ, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन अमनदीप के साथ कुलदीप, पंजाब के CTV, चंडीगढ़।